नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। 5 अगस्त 2019 को लोकसभा और राज्यसभा ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म कर दिया और इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों में बांट दिया गया और दोनों राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसी के साथ ही पूरे देश के लोग खुश हुए और सोचने लगे कि अब कश्मीर घाटी में जमीन लेकर एक सुंदर घर बनाएंगे। लेकिन हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि देश के नागरिक होने के बावजूद भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जहां पर जमीन खरीद नहीं सकते हैं और ना ही घर बना सकते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं जहां आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले आदिवासियों के राज्य मिजोरम की बात करें। आदिवासी राज्य इसलिए कि इस राज्य में सबसे अधिक आदिवासी रहते हैं। इस राज्य की आबादी 10 लाख से ऊपर है और कानून के मुताबिक इस राज्य में आदिवासी ही जमीन खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर के लोग मिजोरम में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों भारत के लोग भारतीय होने के बावजूद भी जमीन नहीं खरीद सकते हैं। भारत का दूसरा राज्य है सिक्किम। सिक्किम में भारत सरकार के साथ समझौता होने के कारण संवैधानिक अनुच्छेद 371-F लगा है, जो साल 1975 में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सरकार के पास सभी जमीनों का मालिकाना हक होगा और भारत में विलय से पहले अगर किसी के पास उसकी निजी जमीन भी थी तो उस पर भी राज्य सरकार का अधिकार होगा। अनुच्छेद 371-F की वजह से सिक्किम को एक विशेषाधिकार भी मिलता है। वो ये है कि सिक्किम राज्य में किसी भी तरह की जमीनी विवाद में देश के सुप्रीम कोर्ट या संसद हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों कोई भारतीय सिक्किम का निवासी नहीं बन सकता है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में, जो जम्मू कश्मीर का पड़ोसी राज्य है। हिमाचल प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्यों में गिना जाता है। यहाँ पर भी आर्टिकल 371 लागू किया गया है, जिसके अनुसार दूसरे राज्य का कोई भी भारतीय नागरिक हिमाचल प्रदेश में खेती करने के लिए जमीन नहीं खरीद सकता। भू राजस्व अधिनियम 1972 की धारा 118 की माने तो बाहरी नागरिक और गैर किसान हिमाचल प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में इस नियम के तहत गैर किसान आवासीय सुविधा के लिए जमीन खरीद सकते हैं। इसके लिए उन्हें सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। उसके बाद सरकार से अनुमति लेनी होती है। अगर सरकार अनुमति दे तो आपके बल्ले बल्ले। अब जिस राज्य का नंबर आता है वो देवों के देव की भूमि उत्तराखंड है। ये सच है कि उत्तराखंड में भी बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर रोक है। उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 154 के अनुसार 12 सितंबर 2003 तक जिन लोगों के पास राज्य में जमीन है वो 12.5 एकड़ तक जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है वो इस तारीख के बाद सिर्फ 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकते। यहाँ पर एक बात आपको बताते चले कि दरअसल इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार उत्तराखंड की जमीनों को बिल्डर के हाथों में जाने से रोकने के लिए बनाई है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी अगर आप उत्तराखंड के नहीं हैं तो आप जमीन लेने से वंचित रह सकते हैं। उत्तराखंड के बाद जिस राज्य का नंबर आता है वो है नागालैंड। उत्तर पूर्वी राज्यों का राज्य है नागालैंड। ये राज्य भी जम्मू कश्मीर की तरह ही है। नागालैंड की आबादी लगभग 20 लाख है। नागालैंड में अनुच्छेद 371A लागू है, जिससे इस पूर्वी राज्य को काफी सहूलियतें प्राप्त हैं और इसके भी कई मामलों में दखल नहीं किया जा सकता। इस राज्य में भी भारत के बाहरी राज्यों के लोग जमीन नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और राज्य हैं जहाँ पर राज्य ने अपने हिसाब से कानून बनाए हैं जहाँ बाहरी लोग जमीन नहीं ले सकते हैं। इन राज्यों में से एक राज्य है तमिलनाडु। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तमिलनाडु में 59.95 एकड़ से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन अगर आपको तमिलनाडु में रहने के लिए जमीन खरीदनी है तो आपको ये साबित करना होगा कि उस जमीन पर पिछले 10 सालों से कोई भी खेती नहीं हुई है। इस तरह कर्नाटक में भी सिर्फ किसान ही खेती की जमीन खरीद सकता है। कर्नाटक लैंड रेवेन्यू एक्ट 1964 के मुताबिक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन पहले आपको सरकार से इजाजत लेनी होगी। नियमों के अनुसार कर्नाटक में सालाना 25 लाख से ज्यादा की आमदनी वाले किसान को नहीं माना जाता है, इसलिए यहाँ पर भी जमीन लेना मुश्किल ही है। तमिलनाडु कर्नाटक की तरह केरल राज्य ने भी जमीन को लेकर नियम बनाए हैं। केरल राज्य में लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 लागू है, जिसके मुताबिक एक वयस्क गैर शादीशुदा नागरिक 5 एकड़ तक जमीन खरीद सकता है। नियमों के अनुसार 2 से ज्यादा और 5 से कम सदस्य वाला परिवार 10 एकड़ तक जमीन खरीद सकता है। वहीं 5 से ज्यादा सदस्य होने पर परिवार के हर बड़े सदस्य के लिए 1 एकड़ ज्यादा जमीन रख सकता है, लेकिन फिर भी 20 एकड़ से ज्यादा नहीं हो सकता है। इस तरह से आप अगर कश्मीर में जमीन खरीदने के पीछे पागल हो रहे हैं तो ये जान लीजिए कि कश्मीर में जमीन बिक रही है या नहीं, इसकी गारंटी आपका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भले ही दे रही हो, लेकिन इस रिपोर्ट में दिखाए गए राज्यों में जमीन खरीदना बिल्कुल ही मुश्किल है। ये बात बिल्कुल तय है, तो आप घबराएं नहीं। पहले जान लें कि नियम की कि कहां पर क्या नियम लागू किए गए हैं।